नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम निसरपुर के ग्रामीण पहुंचे और पूर्व सहायक सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। दरअसल ग्राम निसरपुर से पहुंचे पंचब्रह्म चौहान, पवन राठौर, जयश्री शंकर सिरसाट, पूजा चेतन ठाकुर और ग्रामीणों द्वारा निसरपुर के सहायक सचिव गजानंद पवार, जिनके पास पंचायत का सचिव का प्रभार था, जिसमें सरपंच और अधिकारियों के साथ मिलकर बगैर बैठक कर निर्माण कार्य बताकर शासकीय मद से राशि का आहरण कर लिया था। इसे लेकर धरातल पर कोई काम नहीं किए गए हैं। दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित को जांच में दोषी पाए जाने पर जनपद पंचायत में अटैच कर रुपयों की वसूली के आदेश जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए थे, लेकिन जनपद पंचायत पानसीमल सीईओ की लेट लतीफी के कारण आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, राशि जमा नहीं करवाई गई है। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जाँच कर राशि जमा करवाकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। मैं हुकुमचंद हीरा राठौर निसरपुर पंचायत से हूँ। हमारी जनपद पान सेमल लग हम आए, पहले भी हमने पूर्व में गजानंद हरि के सचिव के बारे में दिया था आवेदन, जो भ्रष्टाचार पाया गया था उस पर कुछ बिंदु 16 लाख रुपए उस पर इंकारी निकली और कुछ बिंदु पे बचाचा भी बाकी है। 16 लाख रुपए इंकारी भी ना उसको अरेस्ट हुआ ना उसका वारंट कटा, फिर भी ड्यूटी कर रहा है, तो हम चाहते हैं उसका कार्य मुक्त करे, सेवा समाप्त करे, क्योंकि अभी भी तकलीफ दे रहा है निसरपुर पंचायत को और कोई सुनवाई नहीं हो रही। साहब परेशान है हम दौड़ दौड़ के, और वो पुरानी पंचायत है निसरपुर, नई नहीं है, और वो बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकते, मैं सब पैसे काटता हूँ। हाँ वहाँ आवेदन दिया, आवक जावक में दिया, साफ तो थे नहीं आओ जा, हाँ यहाँ दिए ना, यहाँ बोले वो हम वहीं भेजेंगे, बोले यहाँ का आवेदन भी हम वहीं भेज रहे, बोले कनेरे साहब से मिल लेना, बोले ऐसा बोला उन्होंने। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।